सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका फोटो या वीडियो डिलीट हो चुका है, 2-3 महीने हो गए, 5 महीने हो चुके हुए, एंड उसे आप रिकवर करना चाहते हो क्योंकि वो बहुत ही खास फोटो एंड वीडियो था आपके लिए, ठीक है, एंड उसे आप रिकवर करना चाहते हो, तो इस वीडियो में मैं आपको 100% जो है रिकवर करके दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे उस फोटो और वीडियो को रिकवर कर सकते हो, ठीक है। ये जो वीडियो है ना, आप लोग को 100% मैं आपको रिकवर करके दिखाऊंगा। लेट्स सी, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको अपने फ़ोन के गैलरी में जाता हूँ और दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पर मेरे पास कोई भी फोटो नहीं है, एंड यहाँ पर जो आप लोग को डिलीट टाइम्स होता है इसमें भी मेरे पास कोई भी फोटो नहीं है। हाँ, ये छोटा दो चार फोटो है जो कि मैंने अभी डिलीट किया था, ठीक है, एंड जो हम लोगों ने और भी डिलीट किया था वो परमानेंटली डिलीट है। और परमानेंटली डिलीट को आप कैसे यहाँ पर वापस ला सकते हो, इस वीडियो में आप लोग को पता चलने वाला है। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखोगे ना, 100% यहाँ पर वापस आ जाएगा। बस यार, इस वीडियो को देखते रहो, ठीक है ना। एंड ये जो लॉन्चर अभी आईफोन का चला रहा हूँ, इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करना है आपको। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन दिख रहा है, यहाँ पर ऑल रिकवर फाइल्स मैनेजर, ठीक है, आपको इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर इसे ओपन करना है, ठीक है। अब ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल रिकवर का कुछ इस तरीके का लोगो इस ऐप का मिलता है। अब चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कैसा यहाँ पर इसका जो है रिकवरिंग का ऑप्शन है। राइट साइड पे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश सिलेक्ट करने का, तो आपको हिंदी चलाने आता है तो हिंदी पे क्लिक कीजिएगा, अगर इंग्लिश चलाने आता है तो इंग्लिश पे क्लिक करके आप यहाँ पर आगे बढ़िएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर टिक का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको रिकवरिंग का यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, एंड यहाँ पर आप लोग को परचेस करने के लिए बोलेगा, तो भाई आप लोग बिल्कुल परचेस मत करना, ठीक है, आपको फ्री में यूज करना बताऊँगा। यहाँ पर लिखा हुआ स्किप एड, एक ऐड देखना है बस, एक ऐड देखना है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर स्किप कर देना है। अब ऐड देखने के बाद यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा आपको, गो टू यहाँ पर मोर होम का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक अलाव का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर स्टार्ट के बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप यहाँ से फोटोज़ यहाँ पर फाइल्स निकालना चाहते हो एंड स्क्रीन फाइल्स निकालना चाहते हो, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे एंड यस पर क्लिक कर देंगे, एंड यहाँ पर फोटो वाले फाइल्स का जो ऑप्शन मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है एंड ऑल यहाँ पर एक्शन पर क्लिक कर देना है। और यह परमिशन मांगता ही है ऐप, तो भाई आपको परमिशन देना ही पड़ेगा। परमिशन देने के बाद यहाँ पर आप लोग बैक कीजिएगा, ठीक है। अब बैक करने के बाद फिर से यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे फोटोज़ पे, एंड ये जो फोटोज़ को यहाँ पर रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है, और देख सकते हैं हमारा फोटो यहाँ पर जो है 100% यहाँ पर रिकवर हो चुका हुआ है, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ से ऑडियो फाइल्स भी निकालना चाहते हो एंड यहाँ पर वीडियो भी निकालना चाहते हो, तो ये वीडियो भी तुरंत आपको निकाल के दे देगा। ये देखो, ये सब मैंने डिलीट किया था और ये सब यहाँ पर रिटर्न करके मुझे दे रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है और यहाँ से आप लोग 100% जो है यहाँ पर फोटोज़ वीडियोज़ जो ईजिली यहाँ पर आप देखो निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को पूरा समझ में आ गया कैसे यहाँ पर आप लोग अपने पुराने फोटो को रिकवर कर सकते हो एक ऐप के मदद से। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर लेना, ताकि अभी डाउनलोड करोगे और इसके बाद अगर आपका डिलीट हो चुका होगा तो ये बहुत ही जल्दी रिकवर कर देगा और रिकवर करने में बहुत ही आसानी होगा एंड ये 100% रिकवर कर ही देगा। तो इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में जरूर से इंस्टॉल करके रख लेना, भले ही ये बहुत ही कम एमबी का है, एंड रखोगे ना तो ये क्या होगा कि अगर कोई भी फोटो वीडियो डिलीट होगा तो इसको पता चल जाएगा कि ये इसने डिलीट किया है और ये खुद रिकवर करके रखे हुआ रहेगा एंड यहाँ से निकाल सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे इसी तरीके का नए नए वीडियो लेकर, कमेंट करते रहना कि कौन सा वीडियो चाहिए आप लोग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।